नागरिकता संशोधन एक्ट के समर्थन में पीएम मोदी का हैशटैग इंडिया सपोर्ट्स सीए अभियान, ट्वीट कर छेड़ी मुहिम। महाराष्ट्र सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार आज, कांग्रेस के 10 विधायक लेंगे शपथ, एनसीपी और शिवसेना के 13-13 विधायक लेंगे शपथ। महाराष्ट्र में तीनों पार्टियों से कुल 42 मंत्री लेंगे शपथ, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे अजीत पवार, आदित्य ठाकरे बनेंगे कैबिनेट मंत्री। आज हो सकता है देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऐलान, जनरल विपिन रावत दौड़ में सबसे आगे। तो वे राजधानी दिल्ली में ठंड का कहर जारी, कोहरे से 30 ट्रेनें हुई लेट, फ्लाइट्स पर भी पड़ा असर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन लाइव में, मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ देश भर में मचे घमासान के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर हैशटैग इंडिया सपोर्ट्स सीए अभियान शुरू किया है। पीएम ने लोगों से इस अभियान का समर्थन करने की अपील की है। पीएम मोदी ने हैशटैग इंडिया सपोर्ट सीए ट्वीट करते हुए लिखा है कि क्योंकि सीए प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देता है और यह किसी की नागरिकता छीनता नहीं है। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि नमो ऐप के वॉलेंटियर मॉड्यूल के वॉइस सेक्शन में मजेदार कंटेंट, ग्राफिक्स और अन्य को देखने के लिए इस हैशटैग को देखें। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इस हैशटैग के जरिए सीए के पक्ष में अपना समर्थन दें। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्रिमंडल का आज विस्तार होगा। मंत्रिमंडल में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस के 10 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, अमित देशमुख, यशोमती ठाकुर और केसी पडवी के मंत्री पद की शपथ लेने की खबर है। अशोक चव्हाण को पीडब्ल्यूडी मंत्रालय मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, जिससे वो नाराज बताए जा रहे हैं। वैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे कांग्रेस नेताओं के नाम तो नहीं बताए, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की जानकारी जरूर दी है। तो वे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऐलान सोमवार को हो सकता है। संभावना है कि थल सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत भी सीडीएस बनेंगे। जनरल रावत मंगलवार को ही थल सेना प्रमुख के पद से रिटायर होंगे। वैसे सीडीएस का कार्यकाल 3 साल का होगा। सीडीएस अपने पद पर 65 साल की उम्र तक बने रहेंगे। बता दें कि सीडीएस 4-स्टार जनरल होगा। सीडीएस के जिम्मे सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल के अलावा युद्ध के दौरान सिंगल प्वाइंट आदेश देने का भी अधिकार होगा। बढ़ते आगे, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर सोमवार को सुबह भी जारी रहा। दिल्ली में सुबह घने कोहरे के छाए रहने से रेल और विमान सेवा पर असर पड़ा। कम से कम 30 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट से 3 फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार सुबह 5:30 बजे दिल्ली में पारा 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार को अधिकतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। बढ़ते आगे, मिर्जापुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अकोड़ी गांव में पुल का शिलान्यास किया और आयोजित कार्यक्रम में मंच से संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में हम ऐसी योजना तैयार करा रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत बनने वाले सड़क निर्माण में 40 लाख रुपए तक के ठेकों में आरक्षण व्यवस्था लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि अब सरकार प्रदेश में योगी सरकार की है, अगर कोई राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, आग लगाएगा, तो अब उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी, चाहे वह घर बेचकर, चाहे खेत बेचकर, चाहे जैसे दे उसको देना पड़ेगा। प्रियंका गांधी पर उन्होंने कहा कि यह प्रियंका ट्विटर वाड्रा है, प्रोटेस्ट करती रहती है। आसाम के अंदर सभा करते एक नेता,
और वहां से बयान देते हैं कि नागपुर के इशारे पर आसाम के अंदर सरकार नहीं चलेगी। मैं उनको यहां से बताना चाहता हूं, आसाम के अंदर जो सरकार है, इस देश की एकता, अखंडता और सीमा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, आसाम का विकास करते हुए, अरुणाचल के अंदर जिस तरफ नजर डालिए, क्यों इस प्रकार से लोगों के अंदर परिवर्तन आ रहा है। लोगों को यह मालूम है कि यह सारे जो लोग हैं अच्छी भावना से काम करते हैं, एक अच्छे लक्ष्य को लेकर के काम करते हैं, ऐसे बच्चों को शिक्षित और संस्कारित करने का काम, नाम नहीं लूंगा, यहां लेने की जरूरत नहीं है। आसाम के आज ये जो वनवासियों की उत्पत्ति दिवस होता है, देशज दिवस, 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक वनवासी समाज अपने उत्पत्ति दिवस मनाता है, उसी के रूप में आज इस समापन की दृष्टि से पूरे देश का ये समापन है इस कार्यक्रम का। इसको वनवासी समाज अपने देवताओं के, देवी देवताओं की पूजा के रूप में मनाता है, उसी निमित्त ये वनवासी छात्रावास इस तरह का एक भव्य आयोजन प्रतिवर्ष करता है। यहाँ पे आज सुरभि शोध संस्थान की तरफ से जो देश के भिन्न भिन्न जगहों से यहाँ पे आकर के आदिवासी और वनवासी बच्चे आकर के पढ़ते हैं, और यहाँ पर सूर्यकांत जलान जी की तरफ से प्रदेश देशों के रहने वाले हैं, जो अरुणाचल के हैं, मिजोरम के हैं, नागालैंड के हैं, इन सब बच्चों को यहाँ पर ला करके इन सब। वहीं बदायूं जिले के बिलसी थाना क्षेत्र के गांव अंबियापुर में अनियंत्रित होकर ट्रक सड़क किनारे बने घर में घुस गया, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। दरअसल अजीत कुमार कश्यप ने बताया कि ट्रक विसौली की ओर से आ रहा था और अनियंत्रित होकर कैलाश कश्यप और हरिद्वारी कश्यप के घर में घुस गया, जिससे सड़क किनारे बना शौचालय और मकान क्षतिग्रस्त हो गया। अजीत कुमार कश्यप ने बताया कि गनीमत यह रही कि बाहर की ओर कोई भी नहीं सो रहा था, अन्यथा किसी की भी जान जा सकती थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से ब्रेकर बनवाने की मांग की जा रही है, बावजूद इसके ब्रेकर नहीं बने। अगर ब्रेकर होते तो ट्रक अनियंत्रित नहीं होता। स्थानीय लोगों ने ब्रेकर बनवाने की मांग की है। यह ट्रक आ रहा था इधर से बसौली वाले रोड पे से, और इसमें सीधे घरों के लिए घुस गया और पूरे मकानों को नुकसान हो गया और दो लाइटें टूट गई। तो वही खबर यूपी के रामपुर से। दरअसल रामपुर में हुई हिंसा के बाद पुलिस के जरिए पकड़े गए बेकसूरों की रिहाई को लेकर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अब्दुल सलाम आज दर्जनों समर्थकों के साथ डीएम कार्यालय पहुंचे और डीएम रामपुर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपकर बेकसूरों की रिहाई करने की मांग की। साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही है। लोग तो थे ना जिन्होंने पत्थर चलाया, लोग तो थे जिन्होंने आगजनी की, पुलिस ने तो आगजनी नहीं की ना। आए थे, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे का नाम भुरेरा के बाद भी लोग पहले से ही पत्थर लेकर, लोगों ने ये भी काम किया कि जल्दी जल्दी पुलिस को नाम भी बता दिए कि फला 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 वहाँ थे, आगे बढ़ के उसमें उन लोगों के भी नाम आ गए जिन्होंने पुलिस को बचाया जी, क्योंकि पुलिस को तो नाम पता नहीं ना किसी के चेहरे से कि क्या उसका नाम है जी। बाद में पता चला कि दो ऐसे लोगों के भी नाम आ गए जो जिन्होंने पुलिस को वहां पे बचाया था, तो उन लोगों के नाम बाहर निकाल रहे हैं आज। जो भी इसमें खाली प्रदर्शन में शामिल रहा, खड़ा था, कुछ कर नहीं रहा था, उन सारे लोगों के नाम हम बाहर निकाल अगर आ भी गए हैं तो, और उन लोगों के नाम नहीं आ रहे हैं इसमें। लेकिन अगर किसी का नाम इस जरिए आया है कि किसी को अरेस्ट किया, उसने नाम बता दिया। बढ़ते आगे बात असम की। पूरे असम राज्य में अभी तक नागरिकता संशोधन कानून को खारिज करने के लिए सभी लोग प्रतिवाद पर उतर रहे हैं। सभी लोग विभिन्न तरीके से अपना प्रतिवाद कर रहे हैं। असम राज्य के नलबारी में भी आज असम जातियावादी युवा छात्र परिषद के उद्योग में और शिल्पी समाज के सहयोग में आज नलबारी कॉलेज फील्ड में इस कानून को खारिज करने के लिए एक अनुष्ठान आयोजित किया गया। इस अनुष्ठान में असम के विख्यात गायक रूबी नगर के साथ कई दल संगठनों ने हिस्सा लिया। अनुष्ठान में बीजेपी सरकार गो बैक, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के भी जमकर नारे लगाए गए। उद्योग में आज हम नलबारी की कॉलेज फील्ड में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को खारिज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को हम दाबी उत्थापन किया है, और इसी गणेश को हम लोग नाम दिया है खिलंजिया का गना
हुंकार, इसी नाम से हम आज इसलिए हुंकार दिया है असम के लोग, नलबारी के लोग, वो बोल रहे नलबारी के लोग कि नागरिकता संशोधन विधेयक उन लोग था। तो वही असम के तिनसुकिया जिले के माकुम स्थित फॉरेस्ट फील्ड में माकुम की जातीय जनगण पर नागरिक संशोधन कानून के विरोध में विशाल गण समावेश का आयोजन किया गया। इस आयोजन में माकुम और इसके आसपास के अंचलों की जनता, मोरान छात्र संस्था का केंद्रीय नेतृत्व, मोरान जनगोष्ठीय संगठनों के प्रतिनिधि के अलावा अस्सु सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि ने उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 के खिलाफ पिछले 9 दिसंबर से पूरे असम में आंदोलन चल रहा है। ये आयन को सारे आसाम वासी लोग इसमें है सब कुछ हो के ये हम लोग एक भी विदेशी हम लोग आसाम में नहीं। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे नेशन लाइव। नमस्कार।